हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सुपर प्लम्बिंग के ऊपर। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, ये एफआरपी का मेन होल कवर है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि ये इंस्टॉलेशन होने के बाद का हमें साइज़ दिखाए, तो ये पे 24-24 का कवर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे रस्सी के सहारे ये जो होल है उठाने के लिए, वहाँ पर हम एक रस्सी डालेंगे ताकि सेफ्टी के लिए ईजी होगा उठाने के लिए। चलिए मैं दिखाता हूँ ये मेन होल कवर को ओपन करके। यहाँ से थोड़ा सा पुश करेंगे ताकत से, तो आपको देख सकते हैं ये मेन होल कवर जो है ये ओपन हो चुका है। बच्चों को जो है उठाने नहीं आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर मेन होल कवर को छोटे से होल दिए ताकि आप रस्सी डाल के या चैन डाल के इसे ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जस्ट बाजू में हमने क्या किया है, मोटर को फिटिंग किया हुआ है ताकि जैसे हम यहाँ पे कवर दे के निकाले तो हमारे को ऑन ऑफ करने के बाद समझ में आ जाएगा कि हमारे स्टोरेज टैंक में जो पानी गिर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस तरीके से जो है साइड में अगर हम पॉइंट देंगे तो ईजी होगा, बैक साइड में अगर पॉइंट देंगे तो हमारे को दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर फिटिंग कैसी होती है, तो हमें सबसे पहले ये साइड में जो कवर देख सकते हैं इसे हमें 1 इंच नीचे रखना है ताकि फ्लोरिंग से एक इंच नीचे रखने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे कवर बंद करते हैं तो फ्लोरिंग के जो है लेवल को आता है। मैं आपको बंद करके दिखाता हूँ अभी। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही हमने अभी यहाँ पे ये क्लोज़ किया मेन होल कवर, तो ये फ्लोरिंग के लेवल आया है, हाइट में नहीं आया है। इसी तरीके से बहुत सारे साइज़ में यहाँ पे कवर आते हैं। ये 18-18 का है, 18-24 है, और यहाँ पे 24-24 सभी साइज़ के यहाँ पे कस्टमर को हमने कवर प्रोवाइड किया है। ये 2.5 टन, 5 टन और 10 टन के जो कैपेसिटी में आता है। ये छोटा सा बीड़ का जाली लगाया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप भी अपने घर में जो है FRP कवर जो है मेन होल कवर लगा सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसका इंस्टॉलेशन का भी पूरा प्रोसेस मैं दिखाऊँगा। देख सकते हैं आप, 2.5 टन यहाँ पर लिखा है। ये हमारे दावल भाई प्लम्बर है जो इन्होंने यहाँ पर वर्क किया हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके सभी कोई क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।